हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जुड़े हैं। सर देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा हमारे बीच नहीं रही हैं, इस दुख भरी घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ हीराबेन का स्वर्गवास केवल नरेंद्र मोदी जी को ही दुखद नहीं कर रहा है, सारे देश को कर रहा है। कारण क्या, एक सामान्य महिला और गृहिणी किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देकर के ऐसा बच्चा पैदा करता है जो आज भारत का ही नहीं, देश और दुनिया में भारत का एक तरह से नाम बढ़ा रहा है। तो ये बिना माँ के संस्कार के संभव नहीं है। तो वास्तव में ऐसी माँ जो संस्कारित पुत्र को, रत्न को पैदा किया, जो आज भारत का मान बढ़ा रहा चारों तरफ से, वास्तव में उसको जितना नमन करें कम है। और उसके जाने के कारण से सर्वसाधारण हिंदुस्तानी को भी इसका बहुत दुख है। मैं सोचता हूँ मैं ऐसी माँ को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में माँ का जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वैसा ही माँ का प्यार सारे भारत के बच्चों को भी मिले, ताकि सब लोग देश के लिए काम करें। गुलाब जी देखिए, व्यस्तता के बीच अपनी माँ से मिलने जाया करते थे, समय समय पर माँ का आशीर्वाद लिया, क्योंकि माँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उस तरह से थी जैसे धूप में पेड़ के नीचे मिलने वाली छांव की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी माँ रही। इस रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से अपना काम संभाला राजनीति में, वो हमेशा माँ के आशीर्वाद से ही अपने काम को शुरू कर, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में थे और जब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, तो उनकी माँ को और समय समय पर जाकर के आशीर्वाद लेकर के अपने काम में आगे बढ़ते थे। तो माँ का आशीर्वाद ही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय बना। तो ऐसी माँ को, जिसने इस प्रकार के पुत्र रत्न को पैदा किया, हम सब लोग भी उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। और उनके जाने का दुख संपूर्ण देश के सब लोगों को है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जी सर, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कभी आपकी उनकी माँ से मुलाकात हुई हो या फिर आपको कोई किस्सा, जिस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रेरणा लगातार लेते आते थे और साथ में इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर जिक्र भी अपने बयानों में या फिर ब्लॉग के माध्यम से करते थे, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं, जो उनकी माँ से मिलने वाली जो प्रेरणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ से? देखो, क्या है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपने माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन को शुरू किया, वैसे हम सब लोग भी अपनी माँ से प्यार करते हैं। उसका आशीर्वाद लेकर के हम जो काम शुरू करेंगे, हमको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि माँ का जो आशीर्वाद है, जो संस्कार है, जो प्यार है, जो काम करने की क्षमता पैदा करती है, वो हम सब लोगों की माँ को, मैं सोचता हूँ सभी लोग अपनी माँ को इतना ही प्यार करें, उससे आशीर्वाद मिले। और देश के प्रधानमंत्री जी को माँ का आशीर्वाद मिला, उसके कारण से देश आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को। उस माँ को हमारी ओर से सच सच नमन।